Hello everyone, how you doing there? Hope you are doing good and hope you are doing well. जी तो मैं हूँ डॉक्टर सैयद हाशिम बुखारी एंड वी हैव स्टार्टेड आवर लेक्चर्स ऑन माइक्रोबायोलॉजी एंड टुडे इज आवर 8th लेक्चर एंड वी आर मेकिंग दिस माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर ऑन द बिहाफ ऑफ लोधरा फार्मेसी कॉलेज ऑफ लोधरा एंड ऑफ कोर्स हाउ आई कैन फॉरगेट टू रिमाइंड यू दैट आवर दीज लेक्चर्स आर बेस्ड ऑन वेरी बेसिक नॉलेज फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स. इसका मतलब ये कि ये वीडियोज बेसिकली फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए हैं एंड ऑफ कोर्स medical beginners also can have the benefits by watching these lectures. चलते हैं जी, हम देखते हैं अभी हमने previous lecture क्या पढ़ा था. previous lecture जो था हमारा वो था about remaining part of cell wall of gram negative bacteria. तो अगर आप इसको understand करना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, then you will find the link for this lecture in the description below. आपको मेरी वीडियो के नीचे जो description है वहाँ पर आपको इसका link मिल जाएगा, आप इसको easily वहाँ से देख सकते हैं. So देखते हैं जी today's topics to cover. आज का topic क्या होगा जो हमने cover करना है, ये होगा जी fluid mosaic model of cell membrane. Everyone knows that this topic is a little bit lengthy topic, but of course we are discussing the basic concept for everything, so we will not go in detail. Hum sirf iski superficial study karenge, hum isko dekhenge, jiske main points hai hum sirf uske bare mein baat karenge. Ji to start karte hain hum fluid mosaic model of cell membrane. The first point is phospholipids bilayer. Phospholipids bilayers क्या होती हैं? The phospholipids molecules are arranged in two parallel layers called phospholipids bilayer. यहाँ पर आप देखें ये BI by जो होता है इसका मतलब होता है दो और layers का मतलब होता है तहें. तो bilayer का मतलब हो गया दो तहें. ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं कि the phospholipids molecules जो ये phospholipid molecules होते हैं ये अरेंज्ड होते हैं इन टू पैरेलल लेयर्स के ये दो बराबर हर चीज में बराबर, मतलब ये कि इनकी लंबाई मोटाई चौड़ाई हर चीज में ये बराबर होंगे. तो ये इस तरह से अरेंज होते हैं और इन दो पैरेलल जो लेयर्स होती हैं इनको फॉस्फोलिपिड्स बायलेयर कहा जाता है. बायलेयर आई रिपीट, बाय का मतलब होता है दो और लेयर्स का मतलब तहें. Now our next point is protein globules. अगर आपने मेरी previous video देखी है तो आपको मालूम होगा उधर वहाँ पर मैंने इसको globules को explain किया था. Globules का मतलब होता है छोटे गुब्बारे या फिर छोटी गोलियाँ. ठीक है, गोलियों की तरह के होते हैं ये. तो देखते हैं जी ये क्या होते हैं. The protein molecules are arranged as globules. ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ग्लोब्यूल्स की तरह के बने हुए होते हैं, फ्लोटिंग तैर रहे होते हैं लाइक आइसबर्ग, जैसे कि बर्फानी तोता पानी पर तैरता है. ठीक है, नियर द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन. मतलब ये कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लोब्यूल्स की शक्ल में, मतलब छोटी छोटी बॉल्स की शक्ल में ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक बर्फानी तोते की तरह तैर रहे होते हैं. कहाँ तैर रहे होते हैं? इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि अंदरूनी और बैरूनी सरफेस पर तैर रहे होते हैं. सम ग्लोब्यूल्स एक्सटेंड फ्रॉम वन सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अदर. इसका मतलब ये कि कुछ ग्लोब्यूल्स इतने एक्सटेंड हो जाते हैं, इतने मतलब वाइड हो जाते हैं कि वो दूसरी सरफेस को भी टच करते हैं. ठीक है, यानी कि इनकी लंबाई कुछ इस टाइप की हो जाती है कि ये एक सरफेस से मेम्ब्रेन की दूसरी सरफेस में भी जाहिर होते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो मॉडल हमने अभी तक पढ़ा है यहां से लेकर यहां तक, तो इसको कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. तो ये थी जी हमारी थ्योरी. अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए हम देख लेते हैं एक डायग्राम एंड ऑफ कोर्स आई विल नॉट एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग हियर. तो हमने सिर्फ उन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करना है जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, लाइक
ग्लोबुलर प्रोटीन। जी तो ये है ग्लोबुलर प्रोटीन, आपको ये यहाँ पर नजर आ रही होगी, ये है ग्लोबुलर प्रोटीन। और ये जो आपको ये छोटी छोटी बॉल्स नजर आ रही हैं एक तह की सूरत में, यहाँ से ये जो चीज है ये होगी जी फॉस्फोलिपिड की एक लेयर। उसके बाद ये जो चीज है ये होगी फॉस्फोलिपिड की दूसरी लेयर, ठीक है। तो ये हो गया एक लेयर और ये दूसरी लेयर, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ठीक है। और ये अक्सर औकात इतने एक्सटेंड हो जाते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के ये इस सरफेस पर भी नजर आते हैं नीचे, ऑफ कोर्स यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर हम इस पिक्चर को थोड़ा उल्टा कर दें तो तब हमें शायद नजर आ जाए। ओके, लेट्स कंटिन्यू। The next point is this molecule accounts for the membrane's appearance under the electron microscope and helps how it allows passage of certain substances. जी तो ये molecule account क्या है, इसका मतलब होगा अगर हम अपनी इस diagram को देखें तो इसके अंदर each and everything, जब हम इसको हर एक चीज को जब हम स्टडी कर लें तो ये तमाम की तमाम मॉलिक्यूलर अकाउंट बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो फुल बॉडी है इसकी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जो फुल बॉडी है उसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल अकाउंट फॉर द मेम्ब्रेन्स अपीयरेंस। तो ये जो है यानी ये जो मोज़ेक मॉडल है, ये मेम्ब्रेन जो होती है इसकी बैक्टीरिया की, तो उसको उसको अपेयर करती है, अपेयर यानी मतलब दिखाती है अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम इसको देखते हैं तो यही जो मेम्ब्रेन्स हैं जिसके अंदर प्रोटीन आ जाती है, ग्लोबुलर प्रोटीन और ये जो चीज़ें हैं फॉस्फोलिपिड बायलेयर, तो ये इसको अपेयर करती हैं अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये हेल्प करती हैं ये समझने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस इन मेम्ब्रेन से कैसे पास आउट होता है। अब देख लेते हैं जी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये कि मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है सेल मेम्ब्रेन के आर पार, अक्रॉस होता है आर पार, मतलब ये कि सेल मेम्ब्रेन से कैसे कोई मॉलिक्यूल गुजरता है, तो उसको देखते हैं। द फर्स्ट मेथड of movement of molecules across the cell membrane is lipid soluble molecules, yani ke aise molecules jo ke lipid soluble hote hain, they dissolve in the phospholipids layer, to wo dissolve ho jate hain kahan par, phospholipids layer ke andar, and pass through the membrane, aur is tarah wo is membrane ke aar paar chale jate hain. The second method is एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस, मतलब ये कि ये जो एसिड्स और नाइट्रोजनस बेस होते हैं विच डू नॉट डिजॉल्व इन लिपिड्स, जो कि लिपिड्स के अंदर नहीं डिजॉल्व होते, मूव थ्रू प्रोटीन पैसेज पैसेजवेज सॉरी, तो ये प्रोटीन के थ्रू पास आउट होते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन की हेल्प लेते हैं पास आउट होने के लिए। तो अब हम देख लेते हैं आज का पॉसिबल क्वेश्चन, विच इज राइट अ कंप्लीट नोट ऑन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये एक ही क्वेश्चन जो है वो पॉसिबल क्वेश्चन था आज का। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑफ कोर्स यू आर हैविंग अ ग्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रोबायोलॉजी ओवर हियर इन शॉर्ट। तो उसके अलावा आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि मैंने पहले कहा था, अपनी प्रीवियस वीडियो का लिंक दे दूंगा, और साथ में मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक भी दूंगा। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दैट वेबसाइट इज अ गिफ्ट फॉर डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, एमएलटी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी पर्सन हु इज रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड शुड विजिट दैट वेबसाइट। वहाँ पर आपको पैथोलॉजिकल डिस्कशंस मिलेंगी, वहाँ पर आपको डिजीजेस मिलेंगी, और डिजीजेस के वहाँ पर आपको डेफिनेशन, कॉजेज, रिस्क फैक्टर,
साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ईच एंड एवरी थिंग यू विल फाइंड ओवर देयर. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.